नमस्कार, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं। और अगर आप हजारीबाग में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते तो आपकी खैर नहीं है, क्योंकि हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस ने यह ठान लिया है कि हजारीबाग में ट्रैफिक उल्लंघन होने नहीं देंगे, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक इंचार्ज के साथ साथ जितने भी ट्रैफिक के पुलिस है वो तैनात है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक में, और वो अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल पिलियन राइडिंग की बात हो या फिर बिना हेलमेट के वाहन जो लोग चलाते थे उनकी बात हो, या फिर जो भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते थे वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, साथ में फाइन किया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे वो आप देख सकते हैं कि इधर इंटरसेप्टर लगाया गया है, और इंटरसेप्टर के माध्यम से भी खास तौर पर हाईवे पर जो लोग वाहन से चलते हैं और उनको चिन्हित करने के लिए इंटरसेप्टर लाया गया, और इंटरसेप्टर के माध्यम से भी अब हजारीबाग में वाहनों की धरपकड़ हो रही है। साथ में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो गाड़ी आप देख सकते हैं मारुति की मार्शल है, वो थाना प्रभारी यातायात की गाड़ी है, और यहाँ पर पीछे से आपको बैकग्राउंड में आता होगा जो सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो भी चीज़ें हैं जागरूकता को लेकर वो इसमें बजाया जा रहा है, यानी कि लोगों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ये आपके लिए आपकी सेफ्टी के लिए हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस तत्पर है। तो आपका भी ये लाजमी है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लोगों को भी हिदायत दें। यहाँ हमारे साथ जो ट्रैफिक थाना के प्रभारी हैं वो है, क्या लगता है अब आप भी सड़क पर आ गए हैं और साथ में आपकी गाड़ी भी लोगों को ये आह्वान कर रही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें? हाँ जी, अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें जो है सड़क सुरक्षा संबंधित जो है जागरूकता फैलाना है, लोगों को बताना है कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए है और इसका नियम पालन करके हम लोग अपनी जान को बचा सकते हैं। हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, और ट्रिपल राइडिंग से हम लोग को बचना है। ट्रिपल राइडिंग से बचने के साथ साथ जो है ट्रैफिक का जो नियम है उसको पालन करेंगे तो इससे दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं, और किसी की जान किसी के लिए, किसी के परिवार के लिए, किसी समाज के लिए कितना कीमती है वो खो जाने के बाद पता चलता है। तो हम लोग का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा को जागरूकता फैलाना और लोगों की जान बचाना। शहर में देखा जा रहा है विभिन्न गाड़ियों के माध्यम से, अभी आपकी भी गाड़ी में जो सायरन लगा हुआ उसके माध्यम से एक गाना के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक स्कूल में या फिर कॉलेजेस में ट्रैफिक पुलिस एक अभियान क्यों नहीं चलाती, ताकि ज़्यादातर युवा स्कूली छात्र होते हैं या फिर कॉलेज के छात्र होते हैं जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो एक ड्राइव क्यों नहीं चलाती पुलिस? इसमें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जो है यूनिवर्सिटी के लेवल पर हम लोग भी किए हैं, स्कूल लेवल पर किए हैं, और ये भी हम लोग करने का है और ये भी कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग को जिस प्रकार से जागरूकता फैलाया जा सकते है, स्कूल में जाकर, सड़क में जाकर, चौराहों पर बोलकर, किसी प्रकार से हम लोग वंचित नहीं होंगे। यानी हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस अब ठान लिए कि यहाँ पर कानून या जो भी ट्रैफिक नियम है उनको तोड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार ट्रैफिक नियम और रेल जो नियम है वो सख्त होने जा रही है। अब लोगों को भी चाहिए कि नियम का पालन करें, और ये हमारे लिए है, आपके लिए है, ये इसमें सबकी भलाई होती है। शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रैफिक अभियान चलता है या फिर इस तरीके से सड़क सुरक्षा अभियान जो चलाया जा रहा है ये आपके लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि अत्यधिक देखा जाता है, देख सकते हैं, देखिए युवा है और बिना हेलमेट के ये यहाँ पर जो है वो पकड़ा है, कान में एयरफोन भी इनका लगा हुआ है, और ख़ास तौर पर देखिए ना तो हेलमेट है इनके पास और साथ में ये कान में एयरफोन लगा करके वाहन चला रहे। तो ऐसे में निश्चित रूप से हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपके लिए आज सड़क पर उतरी है, और लगातार जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं वो आपके लिए चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा पहले ज़रूरी है। आप हेलमेट का प्रयोग करें, आप अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, साथ में गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात ना करें, और ऐसे ऐसे चीज़ें जो है जो भी नियम कानून है उसका आप फॉलो करें, क्योंकि पुलिस देखिए आपको परेशान नहीं करती है, आपके जागरूकता के लिए, आपके जो जीवन है उसके लिए सोचती है, और इसलिए भी आपके साथ जो है ये फाइन का प्रावधान किया गया है। कि देख सकते हैं अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 10 से 12 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी है, और सभी लोग या तो बिना हेलमेट के थे या फिर उनके पास कागजात नहीं है गाड़ी के, नंबर प्लेट का भी देखा जा रहा है कि नंबर प्लेट
नंबर प्लेट की जो बात है, वो नंबर प्लेट भी बहुत से गाड़ियों में देखने को मिल रहा है कि वो जो सही तरीके का नंबर प्लेट है वो नहीं लगाए हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि अगर आप सड़क पर निकले हैं तो अपनी एहतियात बरतें। पुलिस आपको आप पर सख्ती नहीं करती है, पुलिस सिर्फ इसलिए आपको रोकती है कि ताकि आप जागरूक हो जाएं और जो सड़क पर आप चलते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें या फिर तमाम तरीके की जो प्रोटेक्शन है वो करें, कागज़ लेकर चले। तो हज़ारीबाग अपडेट्स भी आपसे ये अपील करती है, अगर आप राइडर हैं, आप गाड़ी सड़क पर लेकर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलें, कागजात लेकर चलें, साथ में नंबर प्लेट सही तरीके से रखें। और अगर आप पेरेंट्स होकर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जब भी गाड़ी देकर भेजें तो उनको हेलमेट अवश्य लगा कर ही भेजें ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो।